हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम। आज हम काचरे की सब्जी बनाएंगे। राजस्थान में ये काचरा क्या बोलते हैं इसको, चिमड़िया भी बोलते हैं। आपके क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बताना। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हमने दो काचरिया लिए हैं और इनको छील छील कर साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको सारा छिलका उतार देंगे। फिर इसके अंदर से आपको अगर बीज निकालने हैं तो आप बीज निकाल सकते हैं, लेकिन हम बीज के साथ ही बनाते हैं क्योंकि ये बीज के साथ में अच्छी बनती है, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और ये राजस्थान में बहुत फेमस है और अच्छी लगती है ये सब्जी। तो फिर इसके बाद में हम इसको कटिंग करेंगे, छोटे छोटे काट देंगे सब दोनों काचरों को, और फिर हम इसमें जो भी डालने हैं मसाले वगैरह वो तैयार करेंगे। तो हमने ये कटिंग करके रख दिया है। अब इसमें दो हरी मिर्ची डालेंगे, आपको जितनी हरी मिर्ची पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो हरी मिर्च ली है, उसको भी छोटा छोटा बारीक काट के और इसमें साथ में ही काट दिया। और इसके बाद हम इसके आगे की जो भी प्रोसेसिंग है वो करेंगे। ये काचरे की राजस्थान में मतलब हर घर में बनती ही है। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हम मिर्ची लेंगे। मिर्ची आप जितनी खाते हैं उस हिसाब से, आपको जितना तीखा पसंद है उतनी मिर्ची आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 2-3 चम्मच मिर्ची ली है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेंगे। उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार, वो आप कितना भी आपको जितना अच्छा लगता है स्वाद के अनुसार। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये सारा लेके और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर ये हम टिपरी होती है, टिपरिया, उससे हम तेल डालते हैं। तो 2-3 टिपरिया हमने तेल डाल दिए। ये चम्मच से थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटी चम्मच से। तो इसमें तेल ज़्यादा डालो तो अच्छी बनती है ये सब्जी। और उसके बाद हमने ये मसाला साइड में तैयार करके रखा ही है और ये सब्जी भी हमने काट के रखी है। उसके बाद हम ये तेल गरम होने पे इसके बाद तेल गरम होने के बाद इसमें ये साथ में मिर्ची और ये काचरा दोनों डाल देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। 5 मिनट के लिए आप इनको फ्राई कर सकते हैं सॉफ्ट होने तक। जब ये अच्छा सॉफ्ट हो जाए, अच्छा सा पक जाए, तो उसके बाद में इसमें आपको मसाले डालने। तो इसको थोड़ी देर हिलाते रहें और उसके बाद छोड़ दें इसको और ढक्कन लगा के इसको पकने दें। तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तेल के साथ में, और आप इसमें अच्छा तेल डालें तो ये अच्छी बनेगी। तेल आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, तेल से ही ये थोड़ी सी अच्छी फ्राई होगी और इसमें ये अच्छी सॉफ्ट भी हो जाएगी। उसके बाद इसमें आपको मसाले डालने हैं। मसाले डालने के बाद में बस थोड़ी सी देर आपको इसको रखना है और फिर ये थोड़ी सी देर में आपको पूरी पक जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें अब हम मसाले डाल रहे हैं। मसाले डालने के बाद में आप जितना पानी डालना चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। और ये सारा मसाला हमने एक साथ में ही डाल दिया है और पानी थोड़ा और थोड़ा नहीं थोड़ा ही डालना है इस, क्योंकि पानी इसमें मसाले में था ही, थोड़ा थोड़ा इसमें था और थोड़ा तेल से ये पक चुकी है सब्जी वैसे भी। तो आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये तो बन जाएगी। वैसे तो ये पूरी बन चुकी है, तो आपको थोड़ा सा ही और पानी डालने की ज़रूरत है। और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी होती है, थोड़ी सी तीखी होती है और अच्छी लगती है ये सब्जी। आप किसी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये सब्जी लगभग बन गई है और हमने लास्ट में थोड़ा सा पानी डाला है। जितना आपको रखना है इसको, ग्रेवी जितनी चाहिए उतना आप इसको पानी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं 1-2 उबाल आने के बाद में ये लगभग पक जाती है 5-10 मिनट के अंदर। और ये तैयार है आपके राजस्थानी काजरे की सब्जी, जो आप किसी के साथ भी सर्व करके खा सकते हैं और ये अच्छी लगती है। और अभी गर्मी के मौसम में और ये बारिश के सीज़न में और ये सब्जी अच्छी लगती है। थैंक यू। कम प्लीज़ लाइक एंड